शानु लखमलिक सम्मान न्यूज से हमारे सहयोगी शिवनारायण कुशवाहा जी आज हमारे साथ हैं। बुंदेलखंड के किसान नेता दिलीप पटेल जी, और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि बुंदेलखंड में किसानों पर जो कल अत्याचार हुआ है उस पर क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले आपके सम्मान न्यूज चैनल को बहुत बहुत सा धन्यवाद कि जो किसानों की बात को रखने में सक्रिय रहता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसान आज बुंदेलखंड का किसान अब जाग चुका है। और आज मैं एक घटना बता रहा हूँ। आज बुंदेलखंड के किसानों को एक पंचायत करनी थी जिसमें सरकार द्वारा उस पंचायत को विफल करने का प्रयास किया गया, रोक दिया गया। और मुझे लगता है कि योगी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कल बुंदेलखंड में बांदा में ही थे और उन्होंने कहा था कि ये धरती शक्ति और भक्ति की धरती है, तो शायद ये भूल गए हैं, किसानों की शक्ति को शायद भूल गए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जब ये आंदोलन को, किसानों के आंदोलन को दबाने का काम करेंगे, हमारे किसान एकजुट होके और भी शक्ति से आगे आएंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, जर्रा जर्रा गांव गांव गूंज उठेगा जय किसान के नारों से। और हम अब आगे की रणनीति बनाएंगे कि गांव गांव किसानों को एकजुट करके हम किसानों की ताकत को, किसानों की बेहतरी के लिए, किसानों के हक के लिए हम एकजुट होंगे। और महापंचायत में जो बुंदेलखंड कहीं पिछड़ा नजर आता था, हम इतनी सक्रियता के साथ दिखा देंगे कि इस ये बुंदेलखंड की धरती अन्नदाताओं की धरती है। और जब ये अन्नदाता खड़ा हो रहा है, खड़ा होगा, तो अब उसकी शक्ति को, उसके हक को, उसकी बेहतरी को कोई नहीं रोक सकता। झांसी का अपना, बुंदेलखंड का अपना एक इतिहास है। रानी लक्ष्मीबाई ने जिस तरह अंग्रेजों से लोहा लिया था, मुझे लग रहा है किसान भी सरकार से उसी तरह से लोहा लेंगे और अपनी मांगे मनवा के ही रहेंगे। पटेल जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि जब कोई फैक्ट्री मालिक अपना उत्पादन करता है तो उसका मूल्य वो स्वयं तय करता है, और जब किसान अपना अनाज पैदा करता है तो उसका मूल्य सरकार तय करती है, ये दोहरी व्यवस्था क्यों, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। हम अब किसान जाग चुका है, केवल MSP की ही नहीं, हम जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको तो लेके ही रहेंगे, उससे हम एक कदम और आगे चलेंगे कि अब हम अपनी फसल का दाम क्या होगा हम किसान खुद तय करेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे, MSP से भी आगे। ये तीनों कानून पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, एक सीधी राह है कि तीनों ये काले कानून वापस हो और साथ में MSP की गारंटी हो। और हम साथ में और जोड़ेंगे कि बुंदेलखंड में नहीं, सभी किसानों की बिजली भी माफ की जाए, और आंदोलन की जो रणनीति है हम सब लोग मिलकर तय करेंगे सभी किसान साथियों के साथ बैठकर। निकट भविष्य में बुंदेलखंड में किसानों का एक ऐतिहासिक पंचायत होने जा रही है, और सरकार ने जो किसानों को कर रोका है उससे उनमें भारी रोष व्याप्त है, और इस रोष के तहत पूरे बुंदेलखंड में स्थिति बड़ी अजीब सी है कि किसान अपनी बात, मजदूर अपनी बात, नौजवान अपनी बात नहीं कह सकता है। ये किसे क्या कहा जाए? हमारा लोकतंत्र क्या खतरे में है? क्या आज भारत का 130 करोड़ लोग अपनी बात, अपनी समस्याओं को कहीं उठा नहीं सकते हैं? बड़ी दुखद बात है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि जितने भी किसान आंदोलन चल रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, उसको वो गहराई से ले और उनकी जो समस्याएं हैं मूलभूत, उसको हल करे। अगर ये हल करते हैं तो किसान क्यों सड़कों पे आएगा? पटेल जी, आपका बहुत बहुत